नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट्स में कहा कि सर क्लोक पढ़ना है एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए, तो मैं क्लोक का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये इसका पार्ट वन है या फिर लेसन वन कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद में कुछ पार्ट्स और लेके आऊँगा। इसके अंदर इस पार्ट में हम लोग बेसिक सीखेंगे और कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है जनरली एग्जाम के अंदर बार बार में रिपीटेडली आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग आराम से देखते रहिएगा, एकदम से सुलझे हुए तरीके से पूरे टॉपिक को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो, हमें क्लोक पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्लोक के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो जो क्लोक होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लोक बनाता हूँ, एक सर्कल के अंदर होती है, सेंटर के अंदर इसके तीन हेड होते हैं या फिर तीन जो भी घंटे की सुई या फिर मिनट की सुई आप इस हिसाब से बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, तो आप लोग कुछ ही बोल सकते हो, इंग्लिश में उसको हेड बोलते हैं। तो मिनट हेड, ओवर हेड और सेकेंड हेड। तो सेकेंड हेड के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड के ऊपर कोई बात नहीं होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। हम लोग जनरली यहाँ पे क्या बात करेंगे, मिनट और ओवर के ऊपर बात करेंगे, मिनट और घंटे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों का क्लॉक बना देता हूँ। तो यहाँ देखो 12 लिखा होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से आपका क्लॉक होता है। इसमें एक छोटी सुई होती है जिसको आप लोग क्या बोल देते हैं, मिनट हेड बोल देते हैं, मिनट हेड या मिनट की सुई, ठीक है। बड़ी सुई जो होती है, एक इसमें छोटी सुई होती है जिसको हम लोग ओवर हेड बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई होगी बातें। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। तो सबसे पहले हम लोग ओवर हेड की, घंटे की सुई की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस बार में मिटा देता हूँ। अब हम लोग घंटे की सुई की बात करेंगे। घंटे की जो सुई होती है, जो छोटी वाली सुई होती है, वो 12 घंटे में, जैसे यहाँ पे ये सुई है, अब ये घूमती जाएगी और वापस घूम के यहाँ कब आ जाएगी, एक चक्कर पूरा कब कर लेगी, 12 घंटे में कर लेगी ये एक चक्कर। 12 से 1 बजेगा एक घंटे में, फिर 2 बजेगा 2 घंटे में, 3 बजेगा 4 बजेगा, 5 बजेगा 6 बजेगा, और ये 12 घंटे बाद में दोबारा से कौन से यहाँ पे आ जाएगी, 12 बजे दोबारा आ जाएगी, 12 पे दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब जो ओवर हेड है, जिसको आप लोग घंटे की सुई भी बोल सकते हो अपनी जो देसी भाषा है उसके अंदर, वो आपका क्या कर रही है, 12 घंटे में कितना डिग्री चल रही है, 360 डिग्री चल रही है, नहीं चल रही है, पूरा का पूरा देखो सर्कल घूम गई, पूरा सर्कल घूमने का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। यानी कि 12 घंटे में घंटे की जो सुई है वो 360 डिग्री घूम गई। एक घंटे में कितना घूमेगी, एक घंटे में 12 का इसमें भाग दे दो तो 12 36 0 30 डिग्री। आपको एक तो ये याद रखना है कि एक घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। यानी कि 12 बजे है ये, 1 बजे पे आ गई, तो ये कितना घूम के आई है, 30 डिग्री घूम के आई है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है, और पूरे 12 घंटे में चूंकि 360 डिग्री चलती है इसलिए एक घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री चलती है। बस सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री चल रही है, 30 डिग्री चल रही है, तो एक मिनट में कितना चलेगी, 60 का इधर भाग दे दो 30 डिग्री के अंदर, 60 का जब इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, आधा डिग्री आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो घंटे की सुई है वो एक घंटे के अंदर 30 डिग्री चलती है, एक मिनट में आधा डिग्री चल रही है। आगे जाके हमें ये काम में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको समझ लिया, ये तो हो गई ओवर हेड घंटे की सुई की बात हो गई। अब हम लोग मिनट हेड की बात कर लेते हैं। मिनट हेड की बात कर लेते हैं, मिनट की सुई। मिनट की सुई का क्या होता है, जो बड़ी वाली सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है, वो क्या करती है, वो 5 मिनट के अंदर 1 पे आ जाएगी, फिर 10 मिनट में 2 पे आ जाएगी, इस तरीके से पूरा घूम के 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट में यानी एक घंटे में दोबारा 12 पे आ जाएगी। यानी कि जो पूरा सर्किल है 360 डिग्री का, वो कितने घंटे में पूरा कर रही है, एक घंटे में पूरा कर रही है, ठीक है। तो मिनट हेड एक घंटे में कितना डिग्री पूरा कर रही है, एक घंटे में 360 डिग्री पूरा कर रही है, यह तो सभी को पता है, एक घंटे में पूरा घूम के आ जाएगी मिनट की सुई। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमेगी, तो एक मिनट में कितना घूमेगी, 60 का भाग दे दो इसके अंदर, 6 डिग्री घूमेगी। एक आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ अभी तक हमें कुल मिला के 3 बातें याद रखनी है कि जो मिनट हेड होता है वो एक मिनट में 6 डिग्री चलता है। तो आप लोग एक की वैल्यू रखना कि 5 मिनट में कितना चलेगा, फिर
30 डिग्री चलेगा कि नहीं चलेगा, एक मिनट में 6 डिग्री चलता है तो 5 मिनट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री चलेगा। दो बातें तो ये ध्यान में रखनी है, दो बातें ओवरहेड के बारे में ध्यान रखनी है। ओवरहेड के बारे में क्या ध्यान रखनी है, ओवरहेड के बारे में ध्यान ये रखनी है कि एक घंटे में वो कितना चलता है, 30 डिग्री चलता है, और एक मिनट में कितना चलता है, आधा डिग्री चलता है। रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक छोटी सी बात और हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो ये आपके किसकी सुई है, मिनट की सुई है, और ये वाली घंटे की सुई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितने बजे हुए हैं, 3 बजे हुए हैं, ठीक है, 3 की तरफ है ये सारा, एग्जैक्टली 3 को यहाँ पे लिख दो। देखो अब यहाँ 3 बजे हुए हैं, तो ये जो आप लोगों की गैपिंग होती है ना मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो गैपिंग होती है डिग्री के अंदर, ठीक है, तो इसको हम लोग मिनट के अंदर टाइम के अंदर कैसे निकालते हैं। तो आप देखो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है, 15 मिनट का गैप है एक तरीके से हम लोग मिनट के अंदर काउंट करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 55 मिनट में ध्यान से समझिएगा, स्टार मार्क वाली बात है ये, कि जो घंटे की सुई और मिनट की सुई ओवरहेड और मिनट हेड के बीच में जो गैपिंग होती है ना, इसको 15 मिनट मानेंगे हम लोग, एक तरीके से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से मानेंगे। तो ये जो 55 मिनट का गैप है, क्योंकि 15 मिनट का ही गैप है ये भाई, 15 मिनट अगर इसको यहीं पर रोक दूँ तो 15 मिनट बाद में ये वाली घड़ी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो 55 मिनट की जो इनकी गैपिंग होगी ना वो 60 मिनट में पूरी होगी, ये रट लो आप लोग, बस इसके लॉजिक के अंदर आप लोगों को नहीं जाना है कि जो मिनट हेड ओवर हेड जो है, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मेनली इसका यूज लेंगे, ये तो हम लोगों ने बाद में जो क्वेश्चन आएंगे ना उसके लिए लिखा है। जनरली जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बेसिक्स था, इसलिए मैंने बता दिया अभी, उसमें यही चीज़ काम में आने वाली है कि 55 मिनट में 60 मिनट की गैपिंग पूरी, इस 55 मिनट का जो गैप होगा वो 60 मिनट में पूरा होगा। ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच का, ये 55 मिनट का गैप 60 मिनट में पूरा होगा। क्यों होगा, ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, देखो जैसे ये घड़ी यहाँ पे आएगी बड़ी वाली सुई, तो छोटी वाली सुई हल्की सी आगे चली जाएगी, फिर हल्की सी दोबारा आगे चली जाएगी, तो गैप तो इन दोनों के बीच ये 15 मिनट का ही था। गैप तो अगर इस घड़ी को रोक दूँ मैं और इसको ऐसे चला के ले आऊँ तो 15 मिनट का ही गैप था, लेकिन 3 पे 15 मिनट में आ जाएगा ये जो आप लोगों का ये मिनट हेड है जो, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ये घंटे वाली सुई भी तो आगे खिसक रही है, तो ये पूरा का पूरा गैप पूरा करने के लिए अगर 55 मिनट का होगा तो 60 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। एक मिनट का होगा तो कितने में होगा, 60/55। अब जितने भी मिनट का निकालना होगा, जैसे मेरे को 15 मिनट का निकालना है तो 15 मिनट के लिए 60/55 गुणा आप लोगों का 15 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 20 मिनट का होगा तो 20, 25 मिनट का होगा तो 25, जो भी वैल्यूज आएंगे वो इस तरीके से हम लोग गैपिंग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी बात। अब मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे एक टाइप आप लोगों का पूरा क्लोक का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और वैसे क्वेश्चन जनरली यहाँ पे एग्जाम के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी तक की जो सारी बातें हैं ना वो समराइज रूप के अंदर मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ओवरहेड मिनट हेड के बारे में क्या क्या ध्यान में रखना है। ओवरहेड जो था वो एक घंटे के अंदर 30 डिग्री पूरा कर रहा है, एक मिनट में आधा डिग्री पूरा कर रहा है। मिनट जो हेड है वो आप लोगों का एक मिनट में कितना डिग्री चल रहा है, 6 डिग्री चल रहा है, और 5 मिनट में 30 डिग्री चल रहा है बस। इसके अलावा मिनट की सुई और घंटे की सुई के अंदर जो गैपिंग होती है वो 55 मिनट की गैपिंग है, कितने मिनट में पूरी होती है, 60 मिनट में पूरी होती है। फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रख लीजिए, इससे मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक समराइज वे में हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होगा आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा कैसे कर सकते हैं इसको एक बार खुद से। अभी देखो मैं कराया आप लोगों को, लिखा है क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock आर द हेड्स ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर, 3 तथा 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होंगी। यानी कि देखो घड़ी बनाते पहले इसको ऐसे समझ, आप लोगों को ऐसे घड़ी वड़ी नहीं बनानी एग्जाम के अंदर, टाइम नहीं होता है इतना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक बार बना देता हूँ आप लोगों को।
मान लो ये मैंने घड़ी बना दी यहाँ पे, ठीक है, ये 12 हो गया, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ये आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। और किस किस के 3 और 4 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, ये 4 बज गए यहाँ पे। पहले देखो यहाँ पे घड़ी होगी मिनट वाली, 3 बजाओ सबसे पहले, और यहाँ पे होगी घंटे वाली घड़ी। तो अभी ये 3 बजे हुए इसके अंदर। अब 3 बजे के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये वाली सुई आगे खिसकेगी और ये वाली सुई तेज़ी से आगे खिसकेगी, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली सुई यहाँ कहीं आ जाएगी, 3 और 4 के बीच में यहाँ कहीं आएगी घंटे वाली सुई, और यहीं पे क्या आ जाएगी, मिनट वाली सुई आ जाएगी। दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। तो पूछ रहा है 3 और 4 बजे के बीच में कब ओवरलैप होंगी ये दोनों घड़ियों की सुई, आपस के अंदर ऊपर नीचे कब आ जाएंगी ये, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो आपको पता है ना उससे स्टार्ट करो। आपको पता है कि 3 ऐसे बजते हैं कि मिनट वाली सुई 12 पे होती है और घंटे वाली सुई किस पे होती है, 3 होती है, 3 बजे हुए हैं। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, इस 12 बजे वाली सुई, ये जो मिनट हेड है और ये जो आपका ओवर हेड है, इस दोनों के बीच के अंदर मुझे क्या करना है, गैपिंग क्या करनी है, कम करनी है, एकदम से ख़त्म कर देनी है, क्योंकि ये ऊपर नीचे आ जाएंगी एक दूसरे के, तो गैपिंग इनके बीच में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनका मुझे जो गैप है ना वो ख़त्म करना है। ये गैप कितने मिनट का है, 15 मिनट का है। कैसे देख रहे हैं आप लोगों को भाई, 15 मिनट बाद में ये वाली सुई यहाँ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, 15 मिनट का गैप है। ये हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब देखो 15 मिनट का गैप हमें बेसिकली कंप्लीट करना है, कैसे करोगे, देखो 55 मिनट की गैपिंग कितने टाइम में पूरी होती है, 60 मिनट में पूरी होती है। 1 मिनट की गैपिंग कब पूरी होगी, 60/55। यहाँ कितने मिनट की गैपिंग पूरी करनी है हम लोगों को, 15 मिनट की करनी है। 15 मिनट के लिए क्या होगा, 60/55 × 15, सिंपल सा लॉजिक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखो सोल्व करते हैं, 5 × 3 = 15 और इधर हो जाएगा 11, तो 180/11 हो जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 × 11 बार चला जाएगा, 11 × 6 = 66 हो जाएगा, ठीक है, और 4 बच जाएगा तो 16 × 4/11 हो जाएगा। ये किस में आया, मिनट में आया, कि 16 × 4/11 मिनट बाद में इन दोनों का गैप आपस में ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो अभी कितने बचे थे, 3 बजे थे, अब 3 से ज़्यादा ही बजेंगे कुछ न कुछ। तो 16 × 4/11 मिनट के ऊपर दोनों सुई आपस में क्या आ जाएंगी, ऊपर नीचे आ जाएंगी। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें, कि 16 × 4/11 मिनट लगेंगे इसको आपस में गैप पूरे करने पे, तो वो 3 बजे के बाद ही होंगे 16 × 4/11 मिनट। तो 3 बज गए 16 × 4/11 मिनट के ऊपर ये क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे की घड़ी ऊपर हो जाएंगी। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको बस ये टिक करना है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बातें। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन अलग तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे बनाता है वो देखते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल। हैंड भी बोल देते हैं इसको, हेड भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो आप लोग। 4 तथा 5 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। अब आपको पूछा गया है 90 डिग्री के कोण के बारे में बात कर रही है, 4 और 5 बजे के बीच के अंदर, ये ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे पिछले वाले में आप लोगों को पता था कि 3 और 4 बजे के बीच में 3 बजेंगे, तो आपको पता था 3 बजे तो 15 मिनट का गैप होगा, तो सीधा 15 मिनट की गैपिंग पूरी करनी थी वहाँ पे, तो एक सेकंड के अंदर ही आंसर निकल सकता था। तो बस यहाँ पे बस हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को भूलें ना बार बार में चीज़ें, बाकी डायरेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। देखो इस क्वेश्चन में करके भी देखेंगे। अब देखो 90 डिग्री का कोण कब बनता है, आप समझो। देखो 90 डिग्री का कोण बनेगा, मान लो ये 12 पे है, ये 3 पे है, 3 बजे हुए हैं यहाँ पे। अब तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हुआ, तो यहाँ पे गैपिंग कितनी है, गैपिंग है यहाँ पे 15 मिनट की। अब देखो कोई बोलेगा सर 3 बजे ही क्यों 90 डिग्री बनाया, कोई बात नहीं, 4 बजे देखो बनाओगे आप लोग 90 डिग्री का एंगल, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, 15 मिनट की गैपिंग ही रहेगी हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग इस साइड भी बनाएंगे मान लो, ठीक है, यहाँ मान लो 9 बजे हुए हैं, ये बजाओगे
तो 15 मिनट की गैपिंग आएंगी हमेशा 90 डिग्री के एंगल के लिए, कितना भी बजा लो हमेशा 15 मिनट की गैपिंग आएगी 90 डिग्री के एंगल के लिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ रही है बात। अब हमें 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 4 बजे के और 5 बजे के बीच में पूछा गया। ऐसा नहीं चार कब चार के चार के ऊपर कब 90 डिग्री का एंगल बने, 4 बजे और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब वो 4 और 5 के बीच में तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे होगा या ऊपर वाला डंडा कहाँ पे होगा, हमें कुछ नहीं पता मिनट हेड ओवरहेड के बारे में। तो हमें एक चीज़ तो पता है ना, यहाँ पे क्या पता है कि सबसे पहले क्या बजेंगे, 4 बजेंगे। तो हम लोगों ने 4 बजा दिए, ये ओवरहेड हो गया, ये मिनट हेड हो गया, 4 बज गए। अब देखो इन दोनों के बीच में अभी गैपिंग कितनी है, 20 मिनट की। मुझे गैपिंग कितनी चाहिए, 4 और 5 के बीच में आगे जाएगा ये, मुझे गैपिंग चाहिए सिर्फ 15 मिनट की, 15 मिनट की गैपिंग चाहिए। 15 मिनट की अगर गैपिंग हो जाएगी तो आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कवर कितना करना है, 5 मिनट कवर करना है। मैं इन दोनों के बीच में 5 मिनट की गैपिंग खत्म कर दूंगा, वहीं पर क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा आप लोगों का कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्योंकि गैपिंग कितने की रह जाएगी, 15 मिनट की रह जाएगी, क्योंकि 20 मिनट की गैपिंग तो है ही यहाँ पे ऑलरेडी है 4 बजे। अब देखो 20 मिनट की गैपिंग है यहाँ पे, लेकिन मुझे कवर क्या करना है, 5 मिनट ही कवर करना है। क्योंकि 5 मिनट कवर कर दूंगा तो इन दोनों के बीच में गैपिंग कितनी रह जाएगी, 15 मिनट की रह जाएगी। ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि 15 मिनट की गैपिंग रखनी है तो 5 मिनट की कवर कर दो। तो देखो 55 मिनट की जो गैपिंग है वो आपकी 60 मिनट में पूरी होती है। तो 5 मिनट की कब होगी, 60/55 × 5, देखो 11/60 हो जाएगा। तो भाग दे दो इसमें, 5 बार चला जाएगा, 11/55, 5 से ही 5/11, क्लियर हो गई चीज़ें। तो कितने कितने बजे ख़त्म हो जाएगी ये गैपिंग, 4 बज के 5 से ही 5/11 मिनट के ऊपर, इस टाइम के ऊपर ये गैपिंग ख़त्म हो जाएगी और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये इसका हो गया केस वन। अब इसमें केस टू और बनता है, कैसे बनता है, एक तो आपको हो सकता है ये ऑप्शन में नहीं मिले, केस सेकंड वाला आंसर ऑप्शन मिले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के हमेशा दो आंसर होते हैं। कैसे होते हैं, अभी देखो इसको थोड़ा सा समझेंगे हम अलग तरीके से। देखो 3 बजे, एक तो 3 और 4 के बीच में 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाएगा ये, ठीक है, तो आप देखेंगे एक तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, समझ गए यहाँ तक। अब देखो ये ओवरहेड आगे जाएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, घंटे वाला, और ये सुई इसको इसको 4 बजे से पहले क्रॉस कर जाएगी, यहाँ क्रॉस कर जाएगी, और कहीं यहाँ पे फिर से आप लोगों का एक बार 90 डिग्री का एंगल और बनेगा जब आगे निकल जाएगी घंटे वाली सुई। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं हमेशा। तो केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में ये होगा कि 4 बजा दो आप लोग सबसे पहले, 4 बजा दिए मैंने। अब मैंने जब इस सुई को मैं यहाँ पे लेके आया तो 5 मिनट की गैपिंग कवर कर ली मैंने, क्योंकि मुझे 15 मिनट का गैप चाहिए था, यहाँ पे 20 मिनट का गैप है, ठीक है। अब मान लो इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में भी तो सुई पूरा घूम के इधर आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तब आगे जाके ये घंटे वाला कहीं ना कहीं पर इसके 15 मिनट के गैप पर आ जाएगा, कहीं ना कहीं पर 15 मिनट के गैप पर आएगा आगे जाके। मान लो यहाँ पे आ गया 15 मिनट के गैप पे, कहीं पे भी आ गया मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो 20 मिनट तो ये हो गया आप लोगों को कवर करना है यहाँ पे, और 15 मिनट आगे, तो 20 और 15 कितने मिनट की गैपिंग कवर होगी यहाँ पे, 35 मिनट की गैपिंग कवर होगी। समझना इस चीज़ को आराम से कि एक तो जब यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ इस ये कोई टाइम होगा जब यहाँ पे गैपिंग 90 डिग्री हो जाएगा, एक इससे पहले कहीं पे होगा ना जब 5 बजने वाले होंगे उससे पहले दोबारा से कहीं पे 90 डिग्री का एंगल एक बार और बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला केस है, हो सकता है ये वाला आंसर आपको एग्जाम में मिले। तो इस टाइम पे केस सेकंड के अंदर मुझे ये जो केस सेकंड है इसके अंदर मुझे कितने मिनट की गैपिंग कंप्लीट करनी है, 20 मिनट तो ये था ही, अब इस बार आगे निकल रहा है ना, तो 20 मिनट की गैपिंग तो पूरी होनी होनी चाहिए और 15 मिनट आगे भी जाना चाहिए, तभी जाके तो आगे वाली 15 मिनट कवर होंगी। तो 35 मिनट की गैपिंग यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखो 35 मिनट की गैपिंग आप लोगों को कवर करनी है, 55 मिनट की गैपिंग आप लोग कितने मिनट में, 60 मिनट में पूरा करोगे, 1 मिनट की 60/55 में पूरा करोगे,
और 35 मिनट की गैपिंग होगी तो 35 से क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 11, 5 सात 35, 7 छः 42, 420 बटा 11, यहाँ पे जो 11 दिया 33, ठीक है, 11 दिया 33 हो जाएगा, कितना बचेगा देखो, 7 दो 9, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 अंटी 88, 38 सही 2 बटा 11 मिनट, यानी कि आपका 4 बज के 38 सही 2 बटा 11 मिनट पर फिर से एक बार 4 और 5 बजे के बीच में ओवरहेड और मिनट हेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल एक बार फिर से होगा, ठीक है। तो ये दो आंसर होंगे, जो भी आपको ऑप्शन के अंदर मिले वो आप लोग टिक कर देना, आइदर और भी लगा सकता है, आइदर दिस और दिस, या तो ये होगा या इस टाइम पे मिलेंगी, तो आइदर और हो तब भी आप लोग आइदर और को भी क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। सिंपल सा लॉजिक था कि यहाँ पे बस ये चीज़ें ना ध्यान में रखने वाली होती हैं कि यहाँ पे इसके दो आंसर आते हैं, क्योंकि दो बार 90 डिग्री वाली यहाँ पे कंडीशन बन जाती है। आपस में मिलने वाली जो कंडीशन इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पड़ा वो सिर्फ एक बार ही बनती है, क्योंकि फिर तो सुई आगे निकल जाती है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का कोई भी एंगल दो बार बनेगा, चाहे 90 का हो, चाहे 60 डिग्री का होगा, चाहे 40 का हो, कोई भी एंगल होगा वो दो बार जरूर जरूर बनेगा यहाँ पे, एक बार पहले बनेगा 12 से, एक बार उसके आगे निकलने के बाद बनेगा, ठीक है। तो हमेशा दो बार बनेंगे कोई भी एंगल चाहे वो हो। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट होते हैं, सिर्फ इसमें एक ये वाला कॉन्सेप्ट हमने काम में लिया है और चीज़ों को समझने की कोशिश की है। इसके पहले जो मैंने बेसिक बताए थे वो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और लेके आऊँगा वहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे उनको। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बस इतना ही करेंगे, दो क्वेश्चन कर लिए, अब आप लोग प्रैक्टिस करो, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों को, अब आप लोग प्रैक्टिस करो। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उसका नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसका सोल्यूशन भी वहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम SSC रेलवेज के लिए आप लोगों को रीजनिंग के या फिर मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।